हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कंप्यूटर लिटरेसी क्लास। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स के बारे में, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की। और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स रिलेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी या नेटवर्किंग का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक, इससे पहले कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और सक्सेस प्राइड के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यूजेस या एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस का मतलब है क्या? एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस, यूजेस ऑफ आईटी की हम बात करेंगे। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज के डेट में यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। वैसे तो आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे, फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है और हम उसको डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कंप्यूटर एक बहुत हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिलायबल है। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पेरोल कैलकुलेशन जो होती है, मीन्स पर डे की हम जो कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स की बात हो गई, सर्विस टैक्स की बात हो गई, तो ये पेरोल सिस्टम है। बजट आपने सुना होगा, बजटिंग मीन्स आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी बजट पास होते हैं तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए, बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। सेल्स की एनालिसिस करने के लिए, कितना सेल्स पर डे हुआ है, मंथ में हुआ है, क्वार्टरली है, फाइनेंशियल ईयर का हम देखें तो फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग में भी यूज़ करते हैं। एम्प्लॉई जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनके डेटाबेस को होल्ड करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हमारा अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, कितना सेल्स हुई, कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है, कितना हमने इम्पोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर से ही हैंडल की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग। आप सब बैंकिंग से जुड़े हैं, सबको पता है बैंकिंग के बारे में, और बिना कंप्यूटर कैलकुलेटर के या कंप्यूटर के या आईटी के, बिना सॉफ्टवेयर के बैंकिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। जब भी आप बैंक जाते होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम आपने देखे होंगे, सारे वर्क उसी पर ही होते। तो क्या क्या यूजेस हैं बैंकिंग में देखते हैं। ऑनलाइन अकाउंटिंग आपने आज के डेट में देखा होगा, ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने लगे हैं, सब किसके थ्रू होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू। चेकिंग, करेंट बैलेंस, डिपॉजिट करना, ओवरड्राफ्टिंग, चार्जेस, शेयर, ट्रस्टी, नॉमिनीज, ये सारे क्या हैं? एटीएम आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंप्यूटर का बैंकिंग में। एटीएम एक मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम कहते हैं, और इसका काम क्या है? ऑनलाइन ही आपके अकाउंट को अपडेट कर देता है, विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। एटीएम में आज कई तरह की मशीन्स हैं जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों के सिस्टम्स हैं, वो सब एक मशीन के थ्रू ही होते हैं। तो इसमें भी कंप्यूटर और आईटी का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसके बाद बात करें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपने देखा होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस में या ब्रोकिंग में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अप टू डेट करने के लिए। अगर आपकी ईएमआई है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए, अगर आपका जो प्रीमियम ड्यू है तो उसके मैसेजिंग के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसकी पॉलिसी को इंस्टॉलमेंट में करने के लिए, मैच्योरिटी के लिए, इंटरेस्ट जो ड्यू है हम सबके, या बोनस जो कुछ भी मिला है, वट एवर इज देयर रिलेटेड टू इंश्योरेंस इज अप टू डेट हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर ओनली। और इस सब के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन। आज एजुकेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन पैंडेमिक में, जितना भी कॉन्सेप्ट चला है रिलेशंस टू रिलेटेड टू एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन किसके थ्रू हुआ है? आईटी गैजेट्स के थ्रू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, चाहे आपका कंप्यूटर हो, आपके मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, आपके पेन टैब हैं, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए जितने ऐप बने हैं, डिपॉजिटिंग के लिए जितने ऐप बने हैं, फी डिपॉजिट के लिए, ये सारी चीज़ों में एजुकेशन से रिलेटेड है। आपने देखा होगा ऑन स्क्रीन हम बच्चों को पढ़ाने लगे, सारे टीचर्स आज की डेट में ऑनलाइन ही टीचिंग कर रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से, सब लॉकडाउन की वजह से कोचिंग सेंटर, स्कूल सब बंद,
लेकिन फिर भी एजुकेशन अपने हिसाब से अपने नए एम के साथ नई टेक्निक के साथ आज भी चल रही है, और उसमें बहुत बड़ा अहम रोल कंप्यूटर साइंस ने या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निभाया। तो अब एजुकेशन की फील्ड में बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक हो गई, आज की डेट में जितने एग्जाम हो रहे हैं सीबीटी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपके नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, ई बुक्स हो गई हैं, आपकी वीडियोज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, सब आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, और एजुकेशन को कंप्लीट करने में कंप्यूटर साइंस या आईटी का बहुत बड़ा रोल है। बात करके हैं मार्केटिंग की, आप आज अगर होम्स ऑफ 18 की बात करो, ठीक है, होम्स ऑफ 18, आप अमेजोन की बात करो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट की बात करो, ये सब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो मार्केटिंग करने के लिए एग्जांपल आप एडवर्टाइज देखते हैं किसी भी कंपनी के, एडवर्टाइज के थ्रू हम ऑनलाइन जाकर अपनी चीज़ों को बुक करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो या पहले से ही हम कैश डिपॉजिट करके सामान खरीदते हैं, तो ये क्या है, होम शॉपिंग जो होगी या एडवर्टाइजिंग होगी किसी चीज़ के लिए, वो सब आज की डेट में किससे बेस्ड है, कंप्यूटर से बेस्ड है। क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बाहर निकलना तो लगभग बंद ही हो गया है, तो सब कुछ जितनी भी ग्रोसरी का सामान है लोगों ने ऑनलाइन खरीदा, जितनी शॉपिंग की वो सब ऑनलाइन ही की है। तो मार्केटिंग में भी कंप्यूटर साइंस ने आईटी का बहुत कुछ दिया है और अहम रोल निभाया है, ठीक। हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर से रिलेटेड है मेडिकल साइंस में, तो आज की डेट में रोबोटिक्स सर्जरी है, रोबोटिक्स सर्जरी में कंप्यूटर साइंस ये मीन्स रोबोट्स ही सर्जरी करने है। एक साइबर नाइफ होता है जिसके थ्रू ऑपरेशन किए जाते हैं, आपका ईसीजी हो गया, ये एक मशीन के थ्रू, आपका सीबीसी जो टेस्ट होता है उसकी मशीन हो गई, यूरिन रूटीन के लिए एक मशीन लग गई है, आपके ब्लड टेस्ट के लिए मैनुअली सब बंद हो गए हैं, सारी मशीन के थ्रू, पैथोलॉजी में आपने देखा होगा सारी मशीन से लगी, सीटी स्कैन आपका हो गया, ये एक मशीन के थ्रू होता है, तो ये सब किससे कनेक्टेड है, सारी चीज़ कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होती है। तो कंप्यूटर ही, या कंप्यूटर से बोला जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही इन सबको हैंडल कर, ठीक। अब तो सर्जरी में, फार्मा में, मॉनिटरिंग सिस्टम में, लैब में, डायग्नोसिंग में, इन सब में ही हम कंप्यूटर या आईटी का यूज कर रहे हैं। अब आती है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन आपने देखा होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का नाम आपने सुना होगा, कैड और कैम कंप्यूटिंग होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक है, आपकी एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग है, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में, आपकी शिपिंग में, शिप डिजाइनिंग में, ठीक है, रोबोट्स डिजाइनिंग में, कंप्यूटर 2D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, ठीक है, एनिमेशंस में, ये सब क्या है, ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का ही रोल है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी। मिलिट्री की बात करें तो मिसाइल्स जो हो गई आपकी, रॉकेट लॉन्चिंग हो गई, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग है, बॉम्ब्स हैं, ठीक है, मिसाइल्स हैं, ठीक है, ऑपरेशंस जो हैं कंडक्टेड किए जाते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस जो भी हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। आपने देखा होगा हवा में ही कैमरा जाके रिकॉर्डिंग करता है, और कैमरा कंट्रोल किससे होता है, कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आईटी से ही बेस्ड हैं। तो हम कह सकते हैं मिलिट्री में भी कहीं ना कहीं हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, स्मार्ट वेपन्स बनाए गए हैं, रॉकेट्स बनाए गए हैं, सब में ही कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस का मतलब आप सोशल मीडिया भी समझ सकते हैं। आज की डेट में आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है सोशल मीडिया, ये किससे रिलेटेड है, सब कंप्यूटर और आई टी से रिलेटेड, इन्हीं की ही देन है कि हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। एक नेट की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, मेल की बात करें, ठीक है, फैक्स की बात करें, ये सब कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, सारा कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर किसको बिलोंग करता है, आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता है।
तो ये सारी चीज़ें, हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो ये सब भी आईटी की ही देन है। गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर रहा है। अब आपने अपने सीएससी सेंटर्स का नाम सुना होगा। सीएससी सेंटर्स क्या होते हैं, जो आधार का, पैन कार्ड का, ठीक है, राशन कार्ड, इन सबको बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सब कंप्यूटर का यूज़ करके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आईटी का ही यूज़ वहाँ हो रहा है। अगर हम पैन कार्ड बनवाने जाएं तो वहाँ यूज़ हो रहा है। अगर हम राइट टू एजुकेशन आरटीई की बात करें तो वो भी सब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, सब कंप्यूटर है, ठीक है। वोटर कार्ड की बात करें, वोटर आईडी की बात करें, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बात करते हैं। आपने अभी कोरोना पीरियड में टेस्टिंग देखी होगी और उसकी रिपोर्ट्स भी देखी होगी, ठीक है। ये सब सब कहाँ है। अभी नॉर्मली कोविड में आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, सिरिंज की ज़रूरत पड़ी थी, रेमडेसिविर, सब ऑनलाइन अवेलेबल थे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना था, ऑफलाइन तो पॉसिबल था ही नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज अवेलेबल की हैं, राशन की व्यवस्था, ये सब कंप्यूटर बेस्ड कर दी है कि सब कुछ कंप्यूटर पे ही फीड होगा, सब कुछ आधार से लिंक होगा, पैन से लिंक होगा, जिससे एक दूसरे से सब डाटा कनेक्ट हो सके, जनधन अकाउंट हो, कुछ भी हो। तो ये गवर्नमेंट की ही सारी पॉलिसीज थी। तो ये किसके थ्रू कंडक्ट की गई सारी, कंप्यूटर के भी। सो कंप्यूटर मीन्स आईटी, तो ये सब आईटी की ही देन है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अपने जो भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सक्सेस प्राइड के साथ बने रहें, एग्जाम के लिए गुड लक, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।